गुड मॉर्निंग गाइस, डे टू। तो आज हम सबसे पहले उठते ही चाय बना रहे हैं और ये बंदे सारे अभी ऐसे ही बैठे हैं। एक बंदा नहा चुका है और मंदिर भी जाके आया। शेफ को पता नहीं है दूध कितना डालना है। ये वीडियो में बस शेफ बन जाता है, आगे पीछे कुछ नहीं करता ये बंदा। गल गल अच्छा बताओ, ये बात सच है कि झूठ है? वीडियो में दिखाता है कि सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ और वैसे एक काम को हाथ तक नहीं लगाता। नहीं, ये सवाल तो करता हूँ। चलो अब चाय पियेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर ना बारिश काफी ज्यादा हो रही है। बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही है सुबह से ही, शायद रात से भी हो रही हो क्योंकि हमें तो रात को सोए हुए पता नहीं चला। ये देखिए काफी ज्यादा बारिश है। अब वेट कर रहे हैं कि बारिश रुकेगी तो फिर बाहर निकलेंगे, अटल टनल की तरफ जाएंगे। बट अब तो बारिश काफी ज्यादा लगता है, अभी रूम में ही रहना पड़ेगा। कल रात से ही बारिश हो रही थी जब हम चाय बना रहे थे। डे वन के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जब हम कल भी चाय बना रहे थे तो बारिश आ गई थी, जिसकी वजह से हमें रूम के अंदर ही चाय बनानी पड़ी थी। तो देखते हैं बारिश कब तक रुकती है, अगर नहीं भी रुकती तो किसी तरह देखते हैं कि मनाली लोकल मार्केट वगैरह घूम के आएँगे। बाकी देखते हैं, जैसे भी सबकी सलाह बनती है तो उस हिसाब से चलेंगे। चाय ऑलमोस्ट रेडी है हमारी। और चाय के साथ बन रहा है ब्रेड टोस्ट। ब्रेड बटर ये जलेबियाँ कौन लेके आया? ये जलेबियाँ कौन लेके आया? चाय के साथ जलेबी खानी है आज? जलेबी के पैसे लेके नमक यार ऊपर लाई है ना, नमक अभी वो नया नया शब्द बनाने के लिए उसको पता नहीं लगा। प्लेट फाड़ लो, अपनी अपनी प्लेट ले आओ और हमला बोल दो। चाय बनी थी, इनका कप तो मेरी चाय कहाँ है? दोबारा बनानी है। सो गाइस, जैसे ही बारिश में हम जैसे जैसे करके गाड़ी की पार्किंग तक पहुँचे हैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे टायर की हवा निकल चुकी है, पता नहीं कैसे हो गया ये। गाइस ये भी एक नया एक्सपीरियंस हो गया हमें। ये भाई अब हम बड़ा छाता कहीं से अरेंज किया हमने, अब लगाएंगे यहाँ पे तो फिर टायर चेंज करेंगे। एक तो पहले ही बारिश ने बड़ा काम खराब कर रखा है और दूसरा ये काम खराब हो गया। चलो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें भी हमारी कोई भलाई होगी।
चलो अब करते हैं टायर चेंज। सो गाइस अब हम जा रहे थे अटल टनल की तरफ, तो यहाँ पे लोकल से पूछा तो सभी कह रहे हैं कि आगे उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है बारिश की वजह से, तो कह रहे हैं कि सिर्फ सोलांग वैली तक ही रास्ता ओपन है। तो फिलहाल हम जा तो रहे हैं, देखते हैं, ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे, जहाँ तक हमें सेफ लगेगा वहाँ तक ही हम जाएंगे, क्योंकि सेफ्टी मस्ट है पहले। तो देखते हैं, सोलांग वैली तक जा रहे हैं फिलहाल, तो हम उसी रोड पे हैं, हम देखते हैं बाकी आगे जाके कि क्या वेदर कंडीशन है आगे, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा वेदर है वहाँ पे, स्नो है या क्या है। या वैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने टूरिस्ट के लिए हाई अलर्ट बोला है कि टूरिस्ट को आगे मत जाने दिया जाए, तो हम भी ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, जहाँ पर जहाँ तक हमें बोलेंगे परमिशन मिलेगी वहाँ तक ही जाएंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती हम भी नहीं करेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे फिर। तो गाइज हम पहुंचे हैं सोलांग वैली, तो अब बारिश के बीच में स्नोफॉल भी हो रही है, ये देखो गाड़ी के ऊपर कितनी आइस है। सो गाइस देखिए अभी बारिश थी तो अभी इसमें स्नोफॉल हो गई है। यार जन्नत है यार। सो गाइस देखो स्नोफॉल हो रही है, कहाँ पहले बारिश थी इतनी, अब स्नोफॉल हो रही है, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है हमारे सामने ही। देखो जो गाड़ियां आगे से आ रही हैं बिल्कुल स्नो से भरी हुई आ रही हैं। देखो कैसे स्नो फॉल हो रही है गाइस, वीडियो में मैं मतलब बता नहीं सकता कि यार कैसा मतलब माहौल बन चुका है, कैसा व्यू है यहाँ पे, वीडियो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही बिल्कुल भी। तो गाइस देखो हमारी गाड़ी भी बिल्कुल स्नो से भर रही है धीरे धीरे। सो गाइस जैसे हम नीचे आ गए मनाली में, तो नीचे भी स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो गाड़ी हमने एक साइड पे लगाई है और खड़े हो गए हैं यहाँ पे, ये देखिए स्नोफॉल, और यहाँ से एक वाटरफॉल आ रहा है।
देखो सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस अब तो स्नो मिल गई हमें यहाँ पे भी, मनाली में भी स्नो मिल गई है। और ऊपर जो स्नो थी वो थोड़ी पानी पानी वाली थी, पर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे कॉटन की तरह स्नो हो रही है। सो गए सोलांग वैली से वापस आकर हमने यहाँ पे रूम ले लिया। तो बारिश जो है वो अभी रुक नहीं रही, तो हमने फिलहाल रूम ले लिया। तो आज रात नाइट यही स्टे करेंगे, तो कल सुबह देखते हैं अगर बारिश रुकती है तो फिर कहीं का प्लान बनाते हैं कहीं घूमने का। कुछ लोकल मैंने पता किया घूमने के लिए, यहाँ पे काफ़ी प्लेसेस हैं। तो बाकी बारिश रुकने पे है कि बारिश रुकेगी तो फिर पता चलेगा कि क्या करना है। तो ये है हमारा होटल, और ये है हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो रखी है। तो ये है हमारा रूम। और ये हमारा रूम है, और जो इसकी बालकनी है उसके बाहर जो है व्यू काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा इस बालकनी से रूम जो इसका व्यू है काफ़ी अच्छा व्यू है। काफ़ी अच्छा व्यू है, मैं कुछ टाइम लैप्स बनाता हूँ, आप टाइम लैप्स इंजॉय कीजिए। लो गाइस शेफ साहब ने फिर कमान अपने हाथ में ले ली है, और अब बन रही है मैगी। ये बंदा मैगी खिला खिला के हमें पागल कर देगा, क्योंकि और इसे कुछ बनाना नहीं आता तो इसे मैगी बनानी आती है। मैगी बना बना के हमें खिलाई जा रहा है। शेफ साहब देखो एक्शन क्या है इनका, खड़े होने का स्टाइल चेक करो। गौतम की करता है मैगी बहुत बढ़िया बनाता है। फूक शकाई जाओ तो मैगी बनवाई जाओ, फूक शकाई जाओ तो सारे काम कराई जाओ। चाय भी आ गई है, चाय और मैगी। गौतम की रेसिपी खराब ही होगी। साड़ी प्लेट च किसी ने मुंह नहीं मारना, स्वाद होवे तुहाडी ओए होए इक होर सॉस विच। तो ये है हमारे होटल के बाहर का व्यू। रात को 9 बजे थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो बाहर आए मार्केट। ऑलमोस्ट मार्केट अभी तो क्लोज लग रही है यहाँ पे। क्योंकि बारिश की वजह से सारी मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही लग रही है। पर आगे लगता है कि मार्केट थोड़ी सी खुली है,
सो गाइस वही मन्नू मार्केट आ चुकी है जो मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाई थी। तो कल आपने देखा था यहाँ पे कितनी चहल पहल थी, पर आज बारिश की वजह से काफ़ी क्राउड कम है। कल यहाँ पे बहुत चहल पहल थी तो आज कल के मुकाबले काफ़ी कम है क्राउड। धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बारिश अभी जस्ट रुकी है। तो गाइस देखो यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स भी ऐसे लगते हैं जैसे किसी ब्रीड के डॉग होते हैं। हाँ जी, क्या ऑर्डर किया? मोमोस। तो कहते हैं मनाली में आके स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये है छोटे छोटे गुलाब जामुन। भाई कितने की प्लेट देना है? एक प्लेट यार इन्हें खाते नहीं जाने। सो गाइस आज है हमारा प्लान पनीर भुर्जी बनाने का। तो पनीर हमने ले लिया और अनियन और टमाटो लेने आए हैं। दो तीन प्याज ले लो, दो तीन टमाटर ले लो। हाँ दो चार हरी मिर्च डाल दो। इतनी क्या करेंगे? नहीं तो टनल कल भी बंद ही रहेगा। बारह एक बजे के बाद स्नो बहुत ज्यादा होगी। जब हम गए थे तब तो थोड़ी बहुत थी। उससे नीचे नीचे काम है। ठीक है ठीक है। सो शॉपिंग हो गई है, अब जा रहे हैं रूम में। रूम में जाना है? अब रूम में जाएंगे। और पनीर का क्या बनाना है? भुर्जी बनानी है या कोई? भुर्जी बनानी है। ठीक है तो आज बनेगी पनीर की भुर्जी। उसके लिए शॉपिंग हो गई है। आगे व्लॉग बनेगा तो फटाफट पैन में आके कटनी डालिए और बोलेंगे मैंने सब्जी बनाई है। ये देख लो सब्जी कौन बना रहा है। सबसे पहले जाएंगे सूखे मसाले।
रोस्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? चिकन मसाला को रोस्ट। तो अभी नहीं पी सारे शेफ रखे हैं। तड़के वाला वखरा शेफ, प्याज डालने वाला वखरा, टमाटर काटने वाला वखरा। प्याज को हम तब तक भूनेंगे तब जब तक कि इसमें एक सुनहरी सा रंग गोल्डन लाइट गोल्डन कलर ना आए। डालेंगे हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार, जो लोग तीखा खाते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं, जो लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते वो थोड़ी कम डाल। हमारे भाई साहब कैसे आपको सीधा मिर्ची आपको नहीं डाल बना पनीर की भुजी दे ते शेफ तीन बुलाए है। तू तगड़ा बंदा है ना, तू शेफ बुलाए तीन। शेफ साहब पुंजे बह गए ने। यार स्माइल तो कर ला थोड़ी। स्माइल नू मैं दस अनियन काट लो और टमाटो काट लो सैलेड में। और गाइस वीरे मैं बड़े दिल ना बना रहा, अगर कोई कमी रह गई तो मुझे माफ कर दी। ठीक है गाइस वीरे बारिश
डालेंगे पनीर। एक शेफ रेस्ट रेस्ट में गया हमारा। ये पनीर हमने यहीं से लिया लोकल मार्केट से मनाली से। बहुत मशहूर पनीर है, काफ़ी क्वालिटी अच्छी लग रही है पनीर की। बस इसको मिक्स कर लेंगे तो बस हमारी पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट रेडी है। और पनीर की भुर्जी बिल्कुल रेडी है। कैमरा मैन को रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दिखा दें। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। सब होने जा रहा है हमारा डिनर। तो ये है फाइनल लुक हमारी पनीर की भुर्जी की। ये है सैलड, ये चपाती हमने बनी बनाई लाई है और सब्जी हमने खुद बनाई है। बाकी आपको ये बच्चे खा के बताएंगे टेस्ट कैसा है। रियलिटी बतानी है, ऐसे झूठ नहीं बोलना। ठीक है गौतम जी, ओके। अब ये बताएंगे हमारे गुनी शर्मा जी। चलो तीनों बंदों ने पास कर दिया, इसका मतलब मैं भी खा के देखता हूँ कैसा बना है। तो ये था हमारा डे टू, तो यहीं पे ही हम व्लॉग का एंड करते हैं। और बारिश की वजह से गाइस ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रहा मैं आपको, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। हमारा खुद का मूड थोड़ा ऐसे ऑफ हो रखा है कि बारिश की वजह से हम इधर उधर ज़्यादा नहीं घूम पा रहे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करा सकें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तो तब तक बने लिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।